नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसने हमें आजाद भारत में आजादी से रहने की, बोलने की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्वतंत्रता प्रदान की। आज पूरा देश बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है। बाबा साहब ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। असहाय शोषित को उनका हक दिलाने के लिए विधायक श्री सिंह ने सभी का विकास सभी में समानता का नारा देते हुए भाजपा सरकार द्वारा बिना भेदभाव के संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तार से बखान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व DSP रामस्वरूप राज ने करते हुए बाबा साहब के सिद्धांत पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और संघर्षों का नारा देते हुए समाज को आगे बढ़ाने की सीख दी। कार्यक्रम को नगर मंडल अध्यक्ष कमल सिंह साहू, भगवान सिंह लोधी, राकेश भार्गव, परशुराम अहिरवार, काशीराम अहिरवार इत्यादि ने भी संबोधित किया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। देश के नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साकार कर रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। संविधान के साथ देश ताकत के साथ आगे बढ़ रहा। संविधान जब बना था उनकी परिकल्पना थी छुआछूत जैसी बीमारी दूर हो, गरीबी मिट जाए,